अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स जो हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम मतलब जो अफेक्ट करते हैं उसमें दो तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, एक सिस्टेमिक है और एक है लोकल। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में आगे से सब फर्स्ट एडिंग है जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, एक अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो बॉडी में ओवरऑल, ठीक है, सिस्टेमिक मतलब ओवरऑल है, लोकल मींस स्पेसिफिक जगह, ठीक है, लोकली, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, या जगह मतलब इन्फेक्शन तो उस जगह खास तौर पे उस जगह पे जो है इफेक्ट वो लोकली होता है। सिस्टेमिक मींस ऑल ओवर द बॉडी, इन पूरे जितने हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं उनमें। ठीक है, अगर पूरी बॉडी में हमारे पास न्यूट्रिशन कमी है तो उसमें हमारे पास न्यूट्रिशन कमी होगी तो क्या होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, प्रोटीन नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ हीलिंग, जो प्रोटीन है वो हमारे पास हीलिंग के प्रोसेस के लिए लाजमी है। ठीक है, अब इन्होंने एक अमीनो एसिड दिया हुआ है, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, मेथियोनीन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड है। ठीक है, इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अप ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, मतलब जो हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है जो हीलिंग में हेल्प करता है या हीलिंग में के दौरान बनता है, उसके लिए सबसे एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा, मेथियोनीन है, और मेथियोनीन हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, आगे उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विटामिन सी डेफिशिएंसी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ये जो होता है कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, अगर सपोज हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो ठीक है, हमारे पास जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो थोड़ा कोलेजन प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस लिटिल कोलेजन। ठीक है, देयरफॉर हीलिंग इज पुअर एंड डिलेड, जो हीलिंग का प्रोसेस होगा पुअर होगा और आहिस्ता होगा, डिले होगा। ठीक है, जिंक डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, जिंक की डेफिशिएंसी में क्या हो सकता है, जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, जब हमारे पास जिंक हमारे पास यूज किस मतलब किसके लिए होता है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इंपेयर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, दैट लीड्स टू इंपेयर बाउंड हीलिंग। ठीक है, इंपेयर होगी इसमें बाउंड हीलिंग। ठीक है, आपकी बुक्स में बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, आप साथ में ऐसा करें बुक्स ओपन कर लें, ठीक है, और देखते जाए साथ में। ब्लड डीअरेंजमेंट, अगर फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन में सिस्टेमिक में न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन में हमारे पास तीन हेडिंग्स थी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी एंड जिंक डेफिशिएंसी, और ब्लड डीअरेंजमेंट में सबसे पास फर्स्ट है हमारे पास न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया मींस कि नंबर ऑफ हमारे पास जो न्यूट्रोफिल है वो डिक्रीज है, जब न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में डिक्रीज होता है तो मींस इस वक्त हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन की सेप्टेबिलिटी इंक्रीज है। ठीक है, दैट हाइंडर्स, जो कि कम करता है द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, स्लो करता है, ठीक है, ये डिफिकल्ट बनाता है प्रोसेस ऑफ रिपेयर को, ये कह रहे हैं न्यूट्रोपिनिया। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल की डेफिशिएंसी होगी तो उस केस में हमारी बॉडी में इंफेक्शन की जो होगी, बैक्टीरियल इंफेक्शन की वो सेप्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, जो कि हम फिर हमारी बॉडी में इंफेक्शन अगर होगा तो वो क्या करेगा, रिपेयर के प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, स्लो करेगा, डिफिकल्ट करेगा, ठीक है, मुश्किल करेगा उसको। ठीक है, हेमोरेजिक डायथेसिस, ठीक है, ये सेकंड हेडेक है। ठीक है, इसमें हेडनिक ब्लड डीअरेंजमेंट में सेकंड हमारे पास कौन सी, हेमोरेजिक डायथेसिस। इसमें इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, या वाउंड उधर ज्यादा जमा होगा तो क्या होगा, वो एक प्रोवाइड करेगा मीडियम किसके लिए, बैक्टेरियोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। इसी तरह फिर वो जहां बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी तो इस तरह हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिपेयर स्लो हो जाएगा। हेमोरेजिक डायथेसिस को फिर सुन लें, हेमोरेजिक डायथेसिस कैसे इफेक्ट करता है, हेमोरेजिक डायथेसिस मींस एक्सेस ऑफ ब्लड, ठीक है, या पूलिंग ऑफ ब्लड या स्टोरेज ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ वाउंड,
ठीक है, जहां भी जख्म होगा वहां पे हमारे पास ज्यादा ब्लड अगर जमा हो गया तो उस केस में क्या होगा, जब ज्यादा ब्लड होगा तो वो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जब वहां पे इजीली बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है उस ब्लड में। ठीक है, जब इजीली बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वहां पे क्या होगा, फिर हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ रिपेयर है वो स्लो हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा। एनीमिया हो गया तो एनीमिया हमारे पास क्या है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन हमारी नहीं है मतलब ब्लड में कम हो गया, एनीमिया ओवरऑल हो गया तो एज अ रिजल्ट प्लाज्मा प्रोटीन भी कम होगी और इम्यूनोग्लोबुलिन भी हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है वो भी कम हो जाएंगी, इस तरह प्रोसेस ऑफ रिपेयर या हीलिंग जो होगा अफेक्ट होगा। अब है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, जो होती है स्किन ऑफ डायबिटिक पेशेंट कॉन्टेन हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्किन जो होती है डायबिटिक पेशेंट की उसमें हाई लेवल ग्लूकोज होता है, दैट फेवर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, जो फेवर करता है बैक्टीरिया के सर्वाइवल को। ठीक है, फिर सुने, जो डायबिटिक पेशेंट होता है ये हम डायबिटीज मेलिटस, डीएम मीन डायबिटीज मेलिटस, एक डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है वो कैसे वाउंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, उसमें जो उसकी स्किन होती है वहां पे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, जो स्पेसिफिक अच्छी जगह होती है किसके लिए, किसकी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। जब वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ होगी तो उस सिलसिले में क्या होगा, उस सिलसिले में ये होगा कि वहां पे जो हमारे पास रिपेयर का जो वाउंड रिपेयर का या हीलिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। इसके बाद हार्मोन्स, हार्मोन्स के बारे में ये है, हार्मोन्स जो होते हैं एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हार्मोन्स में आता है एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिले द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ठीक है, डिले द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। और टेम्परेचर के बारे में बहुत इजी है, जो कोल्ड टेम्परेचर होगा वो वाउंड हीलिंग को स्लो करेगा और जो हॉट टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसको फास्ट करेगा वाउंड हीलिंग को, जल्दी हो जाएगी। गर्मियों में हमारे पास वाउंड जल्दी ठीक होते हैं एज कम्पेयर टू सर्दियों में। ठीक है, जब ठंड होगी तो वहां पे वाउंड हीलिंग स्लो होगी। ठीक है, अब लोकल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, वो तो सिस्टमिक से, अब लोकल में क्या होता है, लोकली अगर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास वाउंड हीलिंग डिले हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई लोकली कम है, अगर एक मतलब जख्म है वहां पर ब्लड सप्लाई उसकी कम हुई हुई है तो वहां पे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्लो होगा। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई कैसे कैसे कम हो सकती है, लाइक कुछ डिजीज है लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, कोई वेसल मतलब हमारे पास प्लाक वगैरह बन गए, ठीक है, एंड आर्थराइटिस ऑब्लिट्रेंस, ठीक है, हमारे पास जो ये भी हमारे पास एक डिजीज है एंड आर्थराइटिस ऑब्लिट्रेंस, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो आर्टरीज के एंड होते हैं वो ऑब्लिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वीनस थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन और प्रेशर ऑन द वेसल, ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। उसके बाद है टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हमारे पास स्टेबल और लेबाइल टिश्यू इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, स्टेबल और लेबाइल टिश्यू वो होते हैं जो जिनमें टेंडेंसी होती है रिजेनरेशन की, वो रिजेनरेट कर सकते हैं, वो ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास कुछ हो गए लाइक जीआईटी के सेल्स वगैरह हो गए, ठीक है, उस तरह की वहां पे इंजरी होगी वो दोबारा रिग्रो कर सकते हैं, लाइक अब हमारे पास कार्डिक सेल्स हो गए या न्यूरॉन्स वगैरह हो गए, वो डैमेज हो तो नहीं होंगे, ठीक है, वो नहीं हो सकते दोबारा। सो टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व इस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है यहाँ पे। सही है, अगर हमारे पास स्टेबल और लेबाइल सेल इन्वॉल्व है तो फिर हमारे पास इजिली ग्रो हो जाएगा, हमारे पास वाउंड रिपेयर हीलिंग या जिसे हम कहते हैं हीलिंग या वाउंड रिपेयर वो इजिली हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन बॉडी, हमारे पास जब फॉरेन बॉडी होती है तो वो भी प्रोसेस ऑफ हीलिंग को अफेक्ट करती है या इम्पेयर करती है। ठीक है, इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन मोस्टली हमारे पास उन पेशेंट को हम इमोबिलाइज करते हैं जिनमें लाइक कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ हुआ है, ठीक है, उनको बोलते हैं कि लाइक उनके लोअर लिम का या टिबिया वाला या टिबिया या फिब्यूला या उनका मतलब थाई वगैरह फ्रैक्चर है, तो उसमें हम क्या उनको कहेंगे यार थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए चरपाई पे रेस्ट करो, इमोबिलाइज करो इस पार्ट को, ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा। सो इमोबिलाइजेशन किस अफेक्ट करती है, फ्रैक्चर में। ठीक है, अदर्स में आ जाते हैं नियोप्लाज्म, एक्सरेज, यूवी रेज, तो ये जो चीजें ये हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास हीलिंग के प्रोसेस को डिफिकल्ट करती हैं, लाइक एक्सरे हो गया, न्यूप्लाज्म
हो गया, यूवी रेज वेयर होगी। सो ये चीजें जो है हमारे पास ये वो इसको अफेक्ट करती हैं, डिफिकल्ट करती हैं। सो दैट्स इट, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।